करण कुंद्रा को अब राजीव ने जो एडवाइस दी है, क्या उस एडवाइस का मतलब ये था कि वो तेजस्वी से फिलहाल के लिए फिनाले तक दूरियां बना ले और अपने गेम पर ध्यान दे? जिस तरीके से राजीव करण को बोलते हुए नजर आए, उससे सीधे सीधे नहीं, इनडायरेक्टली वो उनको यही सलाह देते हुए नजर आए हैं। राजीव आए हैं, करण ने कहा तुझे लगता है कि मुझे ट्रॉफी नहीं मिलेगी, बाहर उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, राखी ने मुझे बहुत डिमोरलाइज किया है। तो उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस तुझे बताता हूँ कुछ, तू तेजस्वी से बात मत करना, मैं तेजस्वी के सामने बातें करना भी नहीं चाह रहा। वो जो इधर इसी ये लोग जो है उस केन में केव जो है वहाँ पर बैठ कर बात कर रहे हैं, कह रहे यहाँ पर ही तुम दोनों का झगड़ा हुआ था, उसके बाद जो है तू बोलने भी लग गया, तेरा जो है आउट ऑफ कंट्रोल भी हुआ तू। फिर शमिता के बारे में तेजस्वी ने बोला, सारी चीज़ें बाहर जो हैं उस तरीके से नहीं दिखी जैसा आप सोच रहे हो, यानी कि राजीव ने कहा इनडायरेक्टली कि वो बहुत नेगेटिव दिखी हैं। इसके बाद उसने करण को बोला कि देख, करण कहता है कि हम जब घर में होते हैं हमें वाकई में समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत। तो उसने बोला राजीव बिल्कुल सही है, पर बस इतना तू सोच लेना कि अब 2 हफ्ते बचे हैं, तेरा ही अपना गेम है, तुझे अपने हिसाब से खेलना है। बाहर वो बहुत गलत दिखी, तो बाहर वो बहुत गलत दिखी यानी कि शमिता के मैटर में, तेरे साथ लड़ाई के मैटर में, और अब समय आ गया है अपने आप गेम खेलने का, अकेले के लिए गेम खेलने का, और गेम में अब दोस्ती यारियां प्यार ये सब तू भूल जा। क्योंकि करण ने ये सवाल पूछा कि क्या नहीं लगता है तुझे मुझे ट्रॉफी मिलेगी, क्योंकि मैं विनर नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे राखी ने डिमोरलाइज किया है। तो उसी के जवाब में राजीव जो है खुलकर नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये सारी बातें बोलते हुए नजर आए हैं, जो ये साफ करता है कि जो करण है उनको वो तेजस्वी से दूर रहने की सलाह दे रहे थे।